बसमिल्लर रहीम आज के लेक्चर में मैं सूर्य बकरा का रुकू नंबर नौ यानी नाइन्थ उसका कुछ हिस्सा रह गया था तर्जुमा और ग्रामर के लिहाज से वो हल करके फिर उसकी इस रुकू की इनशा तफ़ीर पेश करूँगा यहाँ तक बात चली थी अवला यामूना आयत नंबर सेवनटी सेवन कि क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह जानता है उन चीज़ों को भी जो ये छुपाते हैं और उन चीज़ों को भी जो ये जाहिर करते हैं आगे चलते हैं हम सिर्फ तर्जमा चल रहा है अभी तफसीर अभी शुरू नहीं किए मैंने वाम होम और इन में से बाज़ ऐसे भी हैं उम्मी यू ना उम्मी अरबी में कहते हैं उसको जो लिखना पढ़ना ना जानता हो इन में बहुत से लोग उम्मी हैं लायालमून अल्किताब जो किताब नहीं जानते यानी तोरात नहीं जानते वो इला मगर क्या जानते हैं अमानिया कुछ तमन्नाएं जानते हैं अमानिया असल में था ये जमा है उमनुया की इस पर मैं एक और दफ़ पहले भी बता चुका हूँ तफसील से कि अरबी में जो उफ़ का लफ्ज़ है ना उफ़ के वजन पर जो आता है उसका माना होता है मा युफ़ आलूबही और ज़्यादा गाड़ी हो गई बात जैसे उजूबा उजूबा किसे कहते हैं वो चीज़ जिसके ज़रिए ताज्जुब हो उस उहका जहक से निकला है, जहक हंसी को कहते हैं उस उ लतीफ़ों को कहते हैं वो चीज़ जिसके ज़रिए हंसा जाए तो उमनूया वो चीज़ जिसके जिसकी तमन्ना की जाए जिसके ज़रिए उम्मीदें लगाई जाएँ तमन्ना से निकला ये लफ्ज़ न उमनूया तमन्ना में भी मीमनू या आता है न इसमें भी मीमनू या तो इसकी जमाती अमानिय जैसे उजूबा इसकी जमाती अजीब उजहूका अज़ाहक उगलूता अगालीत समझ में आ जाए ठीक है नहीं आए तो रट्टा लगा के याद कर लें अमानिया कहते हैं तमन्नाओं को बस इन में बहुत से उम्मी हैं जो किताब नहीं जानते मगर कुछ तमन्नाएँ जानते हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा तफसीर में बताऊँगा व इन हम और नहीं हैं ये लोग इनका माना नहीं भी आता है और नहीं है ये इल्ला मगर यून सिर्फ़ गुमान करते हैं ज़न्ना याजुल गुमान सिर्फ गुमान करने वाले लोग हैं फ़ैिल पस्तबाही है लजीना उन लोगों के लिए यक तुबल किताबा जो किताब यानी तौरात लिखते हैं बी दी हिम अपने हाथों से फुमा फिर यक़ुलना कहते हैं हाद ये अल्लाह की तरफ़ से अपने हाथ से किताब लिखी और नस्बत कर देते हैं अल्लाह की तरफ ली यशतरूबी ही ताकि इस काम के ज़रिए ख़रीदें यानी कमाएँ समन कलीला चंद टके थोड़ा सा नफ़ा दुनिया का कमा ले फ़विल पस तबाही है लहुम इन लोगों के लिए मिन माँ माँ असल में था मिन माँ मिन अलग है माँ अलग है तो मिला के मम्मा एक कर दिया तबाही है इन लोगों के लिए मिन उस चीज़ से माँ वो चीज़ कताबत अदी जो इनके हाथ लिखते हैं यानी उस चीज़ की वजह से इनके लिए तबाही है ववी और तबाही है लहु इनके लिए मिम माँ यक उस चीज़ की वजह से भी जो ये कमाते हैं जो ये लिखते हैं उसकी वजह से भी तबाही और जो ये उस लिखने की वजह से कमा रहे हैं उस पर भी इनके लिए तबाही है वक़ाल और ये कहते हैं लन तमसा नार तमस्सल में था मसासा यम सूसू इसका माना होता है छूना मस करना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है मस किया हाथ लगाना किसी चीज़ को तो यमसु को पढ़ा जाता है यमुसु और मोनस के लिए तमुसु जैसे यजरीबू कमाना वो मारता है तजरीबु वो औरत मारती है तो तमससु वो छूती है आग का लफ्ज़ अरबी में चूंकि मोनस है इसलिए इसके लिए यम यमुसु के बजाय तमुसु मस्सा यमुसु बल्कि यमसु आता है मसा यमसु यम ससु आता है यानी समिया यसमाऊ की तरह ये व ये कहते हैं लंत मसा हरगिज़ नहीं छुएगी ना हमको अन्नार आग आगे यहूदी कहते थे हमको आग नहीं छुएगी क़ियामत के दिन इल्ला मगर अयामन कुछ दिन अयाम तनवीन है ना तो कुछ दिन मदूदा गिने चुने अदद गिनने को कहते हैं उसी से अदद निकला ये जो हम अदद हैं क्योंकि गिनने के काम आते हैं ना तो मादूदा मकतूला की तरह मकतूला जिसे कत्ल किया जाए मादूदा जिसे गिना जाए तो अयाम का लफ्ज़ जमा है तो जमा का सी अरबी में मोनस होता है इसलिए जो उसकी सिफत है वो भी मुनस है मदूद के बजाय मादूदा तो ये कहते हैं कि हमें आग नहीं छुएगी मगर चंद गिने चुने दिन कुल आप इनसे कह दीजिए अ तखज़ तुम अ तुम असल में था आ तखज तुम इ तुम था इक तसब तुम की तरह इक तसब तुम इक तसब तुम कमाना तुमने कमाया जैसे जरब तुम तुमने मारा तो इत तखज तुम तुमने पकड़ा अखज़ कमाना पकड़ा होता है ना तुमने पकड़ा या तुमने लिया तो जब शुरू में आ लगाया ना आ कमाना होता है क्या तो वो अलिफ साइलेंट हो गया और ऐसा साइलेंट हुआ कि वो लिखने से भी लिखा भी नहीं है उसको यानी बाज़ दफ़ा उसको लिखने में भी नहीं लेकर आते तो वरना असल में था इ तखज तुम पढ़ा जाता है अ तखज तुम तो क्या तुमने अहद कर रखा है इंदल्ला ही अल्लाह के नज़र में अहदन कोई अहद यानी अल्लाह से तुमने कोई अहद अखज़ किया हुआ है कोई अहद लिया हुआ है जिसमें यह लिखा है कि तुम्हें थोड़े दिन आग छूएगी अगर ऐसा है फ़लन युखली फ़ल्लाहू तो हरगिज़ अल्लाह खिलाफ नहीं करेगा अहदहू अपने अहद के यानी अगर तुमने अल्लाह से कोई ऐसा अहद लिया हुआ है कि तुम्हें आग दो चार दिन नहीं छूएगी तो अगर वाकई ऐसा है फ़लँँ युखा अखिलाफ़ कहते हैं ख़िलाफ़ी को हम उर्दू में भी कहते हैं ना वादा खिलाफी मत करो तो इखलाफ का माना अखिलाा यख लिफ़ु अखिलाफा वादा खिलाफी करना देखो उर्दू में इस्तेमाल होता है ना ये लफ्ज़ फ़लँँ यखिलिफा हूँ तो अल्लाह अपने हद के कभी ख़िलाफ़ नहीं करेगा अम तकूणा या फिर ये बात है कि तुम कहते हो अला अल्लाह पर माँ वो चीज़ ला तमुन जो तुम ख़ुद भी नहीं जानते या तो ऐसा है कि अल्लाह से तुमने हद किया तो फिर तो अल्लाह अल्लाहद को तो पूरा करेगा या फिर ऐसा है कि तुम अल्लाह की तरफ ऐसी चीज़ों को मनसूब कर रहे हो जो अल्लाह ने जो तुम्हें खुद भी पता है कि अल्लाह ने नहीं कही है बला क्यों नहीं बला का माना क्या होता है वाई नॉट जिसे इंग्लिश में कहते हैं भाई क्यों नहीं ऐसा क्यों नहीं होगा कि तुम्हें तुम ये कह रहे हो हमें आग थोड़े दिन छुएगी तो ये किसने कह दिया तुम्हें क्यों तुम्हें हमेशा आग नहीं छूएगी क्योंकि अल्लाह का उसूल ये है मन का सबा वो शख्स जिसने कमाया सही अतन गना सही अतन गुना को कहते हैं इसके अपोज़िट है हसनतन हसना तो जिसने भी बुराई को कमाया व अहात बिही और अहाता अहाता कर लिया बिही उस शख्स का ख़ती अत उस बुराई ने इसकी तफसीर में बताऊँगा क्या मतलब है इसका ख़तिया बुराई को कहते हैं गलतियों को कहते हैं अहातत असल में था अहवत अकरमत की तरह अहाता करना तो अल्लाह फरमाते हैं जिसने बुराई कमाई और उसके गुनाहों ने उसका अहाता कर लिया फ़ुलाई का तो ये लोग हैं अब नार आग वाले लोग हैं ये हम फ़ी हा खालिदून ये रहेंगे इसमें हमेशा चार आठ दिन की बात नहीं है ये वल्दीन और वो लोग आमनों जो ईमान लाए वह सालिहात और नेक आमाल किए उलाई का अबन्ना ये हैं जन्नत वाले लोग हम फी हा ये इसमें हमेशा रहेंगे ये तो रुकू नंबर जो नौ था उसका हमने लफजी तर्जमा पढ़ लिया और थोड़ी थोड़ी ग्रामर अब हम इसकी तफसीर की तरफ़ जाते हैं पिछले रुकू में आपको पता था कि बनी इसराइल को गाय जबा करने का हुक्म दिया बाज़ बाज़ल ने लिखा है ये एक ही वाक़ है जिसको तकदीम व तख़ीर के साथ बयान किया गया है अब उस वाक़े का दूसरा जुज़ है अल्ला फरमाते हैं उस वक्त को याद करो जब तुम से किसी इंसानी जान का कत्ल हो गया जो मैंने पिछले रुकू में बताया था ना कि एक आदमी ने कहीं निकाह का पैगाम भेजा था मुफसरी ने लिखा है तो वो नहीं माना तो उसने अब्बा को ही मार दिया अब चंद लोगों को पता था कातिल ही है मगर छुपाते फिर रहे थे तो अल्लाह नस्बत कौम की तरफ ही करते हैं कि तुमने कतल किया तो ये नहीं कि सारी कौम ने कतल किया लेकिन कौम का एक फ़र्द था तो निसबत कौम ही की तरफ की जाती है जैसे हमें लोग कहते हैं ना मुसलमान तुम मुसलमान तो ये करते हो तो सारे थोड़ी कर रहे होते हैं चंद लोग कर रहे होते हैं लेकिन नस्बत ऐसे मौके पर सबकी तरफ ही की जाती है फिर तो अल्लाह फरमाते हैं जब उस वक्त को याद करो जब तुमने एक जान को कतल कर दिया और फिर उसमें झगड़ा करने लगे वल्ला मुखरिजुम मा कुन तुम अल्लाह निकालने वाले थे उस चीज़ को जो तुम छुपा रहे थे अल्लाह ने इरादा कर लिया था मैं खुद कातिल का पता बताऊँगा उसका तरीक़ा अल्लाह ने यह बताया फ़क़ोल नजरीबोह बिबाजी हमने कहा इस गाय के एक हिस्से को गाय का जो है ना ज़िक्र इसलिए कि पीछे गाय का तस्करा हो चुका है ना तो इसलिए उसका दोबारा नाम ले लिया गया कि इस गाय जो तुमने ज़बह की है ना इसका एक हिस्सा बिबा जहाँ उस मैत के एक हिस्से पर मारो अब देखें क़ुरान ने आगे तफसी नहीं बयान की अब आगे तफस ये है कि बनी इसराइल ने मारा तो जब मारा तो मकतूल जिंदा हो गया मकतूल जब जिंदा हुआ तो उसने कातिल का नाम बता दिया इशारा करके ये है मेरा कातिल और वो कातिल पकड़ा गया और उसको कसासन कत्ल कर दिया गया इतना नहीं है ये ये बल्कि डायरेक्ट कुरान यहाँ से बात शुरू कर रहा है कदा लिग्यमता इस तरह से अल्लाह मर्दों को ज़िंदा करेगा इसको अरबी में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं सन आते इन दिमाज मुश्किल लफजिए ये याद कर लें तो अच्छा लगेगा ज़रा इन दिमाज जैसे मैंने बताया था ना एक सनात मुशाकलत के किसी को उसी के अल्फाज में जवाब देना जबकि आप उन अल्फाज से वो माना मुराद नहीं ले रहे जो सामने वाला मुराद ले रहे जैसे कुरान में आता ना वामा करू वामा कर धोखा देते हैं तो अल्लाह भी धोखा देता है हालांकि अल्लाह तो धोखा दो नहीं देता लेकिन उनको उन्हीं की जिस लफ्ज़ की नस्बत उनकी तरफ़ की गई ना उन्हीं अल्फाज में जवाब दिया गया तो ये एक ख़ास मौके पर तो ये कलाम अच्छा होता है ऐसे ही आप किसी की तरफ धोखे की नस्बत कर दें तो ये अच्छा नहीं होता इसकी मैंने मिसालें भी दी थी तो ऐसे ही ये असिलाहत हैं इनको याद कर लेंगे तो ज़रा अच्छा लगेगा नहीं याद करते तो भी ठीक है तो इंदिमाज कहते हैं कि वाक़ का को दरमियान में बहुत से वाक़े के जुज़ को हजफ़ कर देना और उसकी डिटेल बयान न करना इसलिए बयान न करना कि अगला जो लफ्ज़ आ रहा होता है ना उससे पता चल रहा होता है कि दरमियान में हुआ क्या है तो इसलिए कुरान उसको हजफ़ कर देता है और हजफ़ करता क्यों है मैंने बताया है कि कुरान का मकसद किस्से कहानियाँ सुनाना नहीं है यानी अब कुरान आपकी अकल पर छोड़ देता है कि खुद सोच लो क्या हुआ होगा अल्लाह ने ज़बहर करवाई इसलिए करवाई कि यू मारो और अल्लाह तो चाहता था कि इससे कतिल का पता चले तो ऐसी वजह से अल्लाह ने किया कि कातिल का पता चले तो ये जब ही होगा जब कातिल का पता चला भी तो होगा ना वो मुर्दा उठा होगा तो अल्लाह ने अगला जुमला क्या कहा इस तरह से अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है तो इससे साफ़ पता चल गया कि इससे पीछे वाक़ महजूफ़ है वो वाक़ क्या है कि बनी इसराइल ने ऐसा किया और मुर्दा ज़िंदा हुआ और उसने कातिल का नाम बता दिया तो फिर अल्लाह ने फरमाया कदाली का इस तरह से यु अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करेगा ये सनात इन का बड़ा अपना एक लुत्फ़ और मज़ा है बहुत से वाक़ात में हम देखेंगे कि ये आएगा जैसे सूरह मरीम में आप देखें बड़ा मज़ा आता है जब इस तरह से आदमी कुरान पढ़ता है ना दरमियान में अल्लाह बहुत सारे वाक़ को फफ़ करके बिल्कुल आगे ले जाते हैं तो उससे पिछला वाक़ खुद ही जहन में आ जाता है उसमें ख़ास कस्म की बलागत पैदा हो जाती है जैसे सूर मरीम में कि ज़क्रिया ने अल्लाह से दुआ मांगी मुझे औलाद चाहिए फिर अल्लाह ने क्या किया कि खुशखबरी सुना दी कि आपको औलाद मिलेगी ज़क्रिय आलम ने कहा मेरे औलाद कैसे होगी मैं तो बूढ़ा हो गया अल्लाह ने फरमाया कि मैंने भी तो तुझे पानी से पैदा किया तुझे बुढ़ापे में औलाद नहीं दे सकता तो जकरिया आल ने कहा मुझे कोई निशानी बता दो अल्लाह ने फ़रमाया अला तुकल् सलासा लयालिन सविया के ए जकरिया जब आपकी बीवी को हमल होगा ना तो तीन दिन के लिए आपकी ज़बान बंद हो जाएगी अब इस वाक़े को बयान करके कुरान कहता है या खुदिल किताब अब ख़ुआ ए या तो किताब को मजबूती से थाम ले अब अजीब आदमी हैरान होता है भाई होना तो यूँ चाहिए ना कि जकरिया को अल्लाह ने बताया कि जब आपकी बीवी को हमल होगा तो आपकी ज़बान तीन दिन के लिए बंद हो जाएगी ये ये एक साइन होगा कि आपकी जोज़ा को हमल हो गया और आपके औलाद हो जाएगी अब तो फिर नौ महीने लगे उसमें फिर कुरान यूँ बयान करता फिर उसके बाद ये बच्चा पैदा हुआ फिर वो बाप ने उसकी परवरिश की फिर वो बड़ा हुआ फिर वो जवान हुआ और फिर उसको अल्लाह ने किताब दी आ, वही दी और फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि ये जो किताब है जो मूसा मूसीम की किताब है इसको मजबूती से थामो तो ये पूरे वाक़ वो कुरान ने हजफ कर दिया इसलिए कुरान ने इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं की भाई टू द पॉइंट बात कुरान कर रहा है कि हमने ज़करिया ज़कराम से कहा कि आप वो खुशखबरी ये है कि आपकी ज़बान बंद हो जाएगी और ये इसकी अलामत होगी कि आपके बच्चा पैदा होने वाला है ए यहया किताब को मजबूती से थाम ले यानी कुरान ने बता दिया अब यह पैदा भी हो गए हैं जवान भी हो गए हैं और अब कौम में तबलीग भी कर रहे हैं और अल्लाह भी उनको हुक्म दे रहा है तो ये बड़ा मज़ा आता है कुरान में इस तरह की जब वाकयात इंसान पढ़ता है तो बहुत एक लुफ्फ़ आता है कि भाई वो सारा वाक़ जो है ना हो गया अब अब टू द पॉइंट बात की तरफ आओ तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कदा अलीगा यमता इस तरह से अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करेगा और अल्लाह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम्हें अक़ल हासिल हो इसमें एक फ़िकही मसला भी है शर्य मसला ये है कि हमें क़ुरान से पता चलता है कि दो आदमियों की गवाही के बग़ैर किसी का दावा याद रखें नहीं सुना जाता यानी दावे को सच्चा नहीं माना जाता अगर फकह लिखते हैं कि आज ऐसा हो कि एक आदमी को क़त्ल किया गया और उसको कत्ल किया गया लेकिन वो मरने लगा और मरने से पहले उसने बता दिया कि मुझे फ़लाने क़त्ल किया है तो शर्न उसकी बात का एतबार नहीं होगा उसको दो गवाह पेश करने पड़ेंगे कि मेरा कातिल फुलाएँ फिर उसके बाद वो ज़िंदा रहे या मर जाए वो उसकी वो उसका मसला नहीं है क्योंकि सिर्फ दावे से कबूल नहीं किया जाता उस पर दावे यानी सिर्फ किसी के दावा करने से उसके दावे को कभी कबूल नहीं किया जाता वरना कोई भी किसी पर बल्ली डाल दे उसके लिए दो गवाहों का होना ज़रूरी है जैसे मैं ये दावा करता हूँ फ़लाने मेरे पैसे खाए हैं तो दावा करने पर गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है तो मुझे दो गवाह पेश करने पड़ेंगे तो इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ मुझे फ़लाँ ने कतल किया है तो ये इतना काफ़ी नहीं है बल्कि इस पर अलग से दो गवाह पेश किए जाएंगे हाँ ये तफतीश में ज़रूर काम आएगी ये चीज़ कि जिसको कत्ल किया गया है वो मरने से पहले अगर बता दे कि मुझे फ़लाँ ने कत्ल किया है तो गवर्नमेंट उस कतिल को जिसको वो यानी इल्ज़ाम लगा रहा है उसको उठा सकती है तफ्तीश के लिए कि भाई तुम पे इल्ज़ाम लगाए तो अब जरा चित्रौल वित्रौल लगा के या वैसे किसी और तरीके से तफ्तीश के काम तफतीश में ये तो मददगार ये चीज़ हो सकती है लेकिन इससे कतल साबित नहीं होता तो यहाँ जो अल्लाह ने यूँ किया कि मकतूल को जिंदा किया और मकतूल ने नाम बताया कि इसने कतल किया और उस दावे को हजत माना गया उसकी वजह ये थी कि यह सब वही के जरिए हो रहा था हजरत मूसा सलाम यह काम ख़ुद नहीं कर रहे थे बल्कि अल्लाह के कहने से कर रहे थे तो जाहिर है अल्लाह गलती नहीं करता तो अल्लाह ने जब मकतूल को जिंदा किया और मकतूल की जबान से ये कहलवाया तो ये अल्लाह के कहलवाने की वजह से कातिल को से फिर सास लिया गया है वरना नॉर्मली अगर कोई आज मुर्दा जिंदा हो के कहना भी शुरू कर देना कि फ़ला ने मुझे कतल किया है तो उसकी बात का शरण एतबार बिल्कुल भी नहीं है अव्वल तो मुर्दे ज़िंदा होते नहीं मगर कोई करामत के तौर पर कोई जिंदा हो जाए तो भी उसकी बात का अतबार नहीं होगा क्योंकि हम यकीन या तो गवाहों के ज़रिए करेंगे या वही के ज़रिए अब वही का दरवाज़ा बंद हो गया अब हमारे पास गवाहों के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है अल्लाह फरमाते तुम मकसद गलूब कुम इतना बड़ा वाकया देखने के बाद भी बनी इसराइल को अल्लाह कह रहे हैं कि तुमने मुर्दे को ज़िंदा होते हुए देखा उसके बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए यानी फिर बदाम आ तुम से वाक़े के बाद भी तो अल्लाह नबी के दौर में जो यहूदी और आज भी जो यहूदी हैं इनको इनके बाप दादा के वाक़ सुना रहे हैं कि ये तुम्हारे आमाल रहें माजी में फरमाया इतने सख्त हो गए कि कल हजारा ये पत्थर की तरह हैं जैसे पत्थर किसी चीज़ का असर क़बूल नहीं करता देखें बारिश होती है ज़मीन नरम हो जाती है हवाएँ चलती है दरख्त हिलना शुरू हो जाते हैं असरात कबूल करते हैं ना लेकिन जो बड़े बड़े चट्टानों पर पत्थर होते हैं उन पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता तो अल्लाह फरमाते हैं तुमने भी इतनी अल्लाह की तरफ से निशानियाँ देखी मगर तुम्हारे दिल किसी भी बैरूनी असर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो ये पत्थर की तरह हैं बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं क्यों सख्त हैं उसकी वजह बयान कर की जा रही है कि पत्थर भी ऐसे जामद नहीं होते कि उसमें कोई खैर ही ना हो बल्कि पत्थरों की तीन किस्में अल्लाह ने बयान की व इन निनजारतीमाया तफर उमिनहार पत्थरों में भी ऐसे होते हैं जिनसे चश्मे फूट पड़ते हैं यानी वो भी बैरूनी असर को कबूल करते हैं और ऐसा करते हैं कि दुनिया को सैराब करना शुरू कर देते हैं वो एक मिसाल दी जा रही है कि चश्मे फूटते हैं लोग उनसे सैराब होते हैं तुम्हारे दिलों से इल्म और हिकमत के चश्मे भी नहीं फूटते यानी तुम्हें तो लोगों का कायद बन के उनको गाइड करना चाहिए था और इल औरत की बातें उनको बतानी चाहिए थी तुम खुद इतने सख्त हो गए हो तुम खुद हिदायत पर नहीं हो दूसरों को कहाँ से हिदायत दोगे तो तुम पत्थर से भी ज़्यादा तुम्हारे दिल सख्त हैं फरमाया और पत्थर की दूसरी किस्म क्या होती है व इनमिना यक ककु पत्थर बाज़ दफ़ा चश्मे नहीं फूटते उससे लेकिन इतना होता है कि वो फटता है और उससे पानी निकल आता है थोड़ा सा तो चश्मों की तरह बह तो नहीं रहा होता पानी लेकिन थोड़ा सा पानी थोड़े से लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का ज़रिया बनता है सफ़र में हम जाते हैं बाज़ पत्थर फटा हुआ होता है चटानों में उसमें थोड़ा सा पानी नज़र आता है तो किसी न किसी गरीब के काम आ जाता है वो पानी तो बास पत्थर ऐसे होते हैं कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचा देते हैं अगरचे उम्मत को सैराब नहीं करते तो तुम उससे भी बदतर हो वह इन नम्हा और बास पत्थर ऐसे होते हैं जो लोगों को बिल्कुल नफ़ा नहीं पहुंचाते लेकिन उनमें बैरूनी असर कबूल करने की सलाहियत होती है वो क्या है कि लमा यह भी तो जो पहाड़ के ऊपर से लुढ़क जाते हैं अल्लाह के खौफ से तो ये बात खूब अच्छी तरह जहन में रखें कि व सुनत से ये बात वाज तौर पर पता चलती है कि अल्लाह ने बेजान चीज़ों में भी कुछ न कुछ शूर रखा है जिसका हमें इल नहीं है और हमारी अकल अभी वहाँ तक पहुँची नहीं है तो कुछ न कुछ शोर वो वाला शोर नहीं जो इंसानों में होता है लेकिन कुछ न कुछ बैरूनी यानी माहौल को कबूल करने की अल्लाह ने उसमें सालायीत रखी है और अदीत से तो ये बात साबित है तारीख़ी वाक़ात से भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के तने पर हाथ रखे खुतबा दिया करते थे जब आपका मिंबर तब्दील हो गया तो बहुत यानी सही बुखारी सही मुस्लिम में कि उस खजूर के तने से ऐसे रोने की आवाज़ आती थी जैसे कोई बच्चा बिलक बिलक के रो रहा है मतलब ये कि उस तने को भी एक एहसास हुआ कि सईदुल लंबिया सली वम उससे दूर हो गए तो ये बेजान चीज़ों में कुछ न कुछ इतना नहीं होता जैसे इंसान में वो तो मॉजे के तौर पर अल्लाह ने उसका बिलकना सुना दिया सहाब कराम को ओहद पहाड़ के बारे में आता है रसूल सल वसम ने जब ओहद पहाड़ को देखा ना मदीना जाते हुए तो आपने फरमाया व फरमायाब ना वनबुहू ओहद एक ऐसा पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे महब्बत करते हैं तो पहाड़ था मदीना का आज भी कायम है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इसको भी हमसे महब्बत हो गई है तो बेजान चीज़ों को भी कुछ न कुछ लगाव होता है लेकिन उसकी हकीकत से हम वाकिफ़ नहीं हैं कुरान में आता है दाऊदसलात साम जब तस्बी पढ़ा करते थे तो पहाड़ पहाड़ों से भी ला लहाल्ला की आवाज़ें आया करती थी और परिंदे भी करते थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ शूर पहाड़ों में है जो अल्लाह ताला जो मोजाती तौर पर वो लोगों को भी दिखा दिया करते थे तो इससे ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ बेजान चीज़ों में भी तो पत्थर बाज़ दफ़ा अल्लाह के खौफ का असर भी कबूल कर लेता है तो अल्लाह फरमाते हैं कि पत्थर जो इतनी सख्त चीज़ है उसमें भी ये होता है कि अल्लाह के खौफ़ से बाज़ दफ़ा वो लुढ़क जाता है ज़मीन की तरफ़ तो और भी बहुत से इसबाब होते हैं हवाओं चलने से भी पत्थर लुढ़कते हैं जल्जल से भी लेकिन कुरान से पता चलता है बज़ दफ़ा पत्थर के लुड़कने का कोई ज़ाहरी सबब नहीं होता महाज़ अल्लाह के खौफ होता है जो उसको हरकत पर मजबूर कर देता है तो अगरचे वो लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा वो पत्थर लेकिन अल्लाह के खौफ के असर से ख़ुद तो हरकत में आ रहा है तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो अहल यहूद थे इन ये तीनों किस्म के असरा से बिल्कुल यानी तीनों किस्म के असरात इसमें नहीं हैं इतना असर इन में हो जाए तोरात का अल्लाह की किताब का कि लोगों के लिए एक चश्मों की तरह बन जाएँ ऐसे भी नहीं है ये और इतना असर हो जाए कि दो चार लोगों को फ़ायदा पहुँचा दें ऐसा भी नहीं है और इतना अल्लाह की आयात का इन पर असर हो जाए कि लोगों के लिए फ़ायदा तो ना पहुँचाएँ ख़ुद अपने अंदर कोई तब्दीली पैदा कर दें कोई हरकत पैदा कर दें वो भी नहीं है तो अल्लाह फरमाते है, इसलिए पत्थर से भी ज़्यादा इनके दिल सख्त हैं और ये याद रखें ये आयत हर उस शख्स के बारे में है जिस पर कुरान या अल्लाह ताला ने जो इस कायनात में दलाइल रखे हैं उन दलाइल से जो ज़र्रा बराबर भी मुतासर नहीं होता उन उस पर भी आयत पूरी पूरी सादिक आती है अल्लाह हमें ऐसी दिल की सख्ती से बचाए व इन् निन वम्लाफ़िलमा ताम अल्ला गाफ़िल नहीं है उस काम से जो तुम तो कर रहे हो अब आगे यहाँ खिताब है सहाबा कराम को सहाबा कराम भी बहुत सख्त तकलीफ़ में होते थे कि जो यहूदी हैं जो किताब का इल्म जानते हैं जो पैगम्बरों पर ईमान रखते हैं वो क्यों ईमान नहीं ला रहे यानी जब ज़ाहिर इंसान दलाइल से जब बात करता है ना और सामने वाला मानने के लिए तैयार नहीं होता तो आदमी को गुस्सा आता है ये इंसान की नेचर है और जब गुस्सा आता है तो मायूसी होती है फिर वो छोड़ कहता है यार छोड़ो तबलीग करना ही छोड़ दो ये पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आ रहा तो आम लोगों की समझ में कहाँ से आएगा तो सहाबा के हौसले पस्त होते थे ख़ुद रसूल अल्लाह सल्हु वसलम परेशान होते थे और आपको नाउमीदी होने लगती थी तो अल्लाह ने इस आयत में आप सल्ला वसम को भी तसली दी और साहबा कराम को भी वो तसली का हासिल ये है कि आप इनके पढ़े लिखे होने को ना देखें आप ये ना देखें कि एजुकेटेड लोग हैं और ये जनाब इतने तरक्याफ़्ता लोग हैं या इनको तो तौरात का और दूसरे ओलूम भी बहुत आते हैं इसको ना देखें आप इनकी हर धर्मियों को देखें माजी में क्या करते रहें तो जो ऐसा हर धर्म बाजी में रहा हो जिन्होंने अपने पैगम्बरों का ये हाल किया और जो इन्हीं की कौम में से आए थे तो एक ऐसे पैगम्बर जो दूसरी कौम में से आए हैं उन पर ये कहाँ से ही मान ले आएंगे तो इसलिए इनके इनकी जो है ना एजुकेशन से और इनके पढ़े लिखे होने से मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है कि इतने पढ़े लिखे हो गए क्यों ईमान नहीं लेकर आ रहे इनकी हरकतें आप देखेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद इनसे उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी और इस नाउमीदी से आप मायूस नहीं होंगे बल्कि आपको मोटिवेशन मिलेगी ये मोटिवेशन मिलेगी कि जो ऐसे नालक लोग हैं उन पर मेहनत करना अबस और उन पर मेहनत करना फजूल है और उनके ईमान ना लाने से हमें परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पहले ही इतने बड़े मुजरिम रहे हैं तो ऐसे मुजरिम हम पर कहाँ ईमान लेकर आएंगे तो आप इन लोगों से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं। अल्लाह फरमाते हैं आफात तुम क्या तुम उम्मीदें लगाते हो लालच रखते हो इस बात की कि ये तुम पर ईमान ले आएंगे। वक़द कान फ़रीक़म मन हम हालांकि इनमें से एक जमात ऐसी रही है यसमाऊन कलाम अल्लाह जिन्होंने अल्लाह का कलाम अपने कानों से सुना था कोहे तूर पर जब गए थे ना तो अल्लाह का कलाम अपने कानों से सुना था कि यह अल्लाह की किताब है तोरात जो हमने पिछले लेक्चर्स में तफसील से बताया तो उस सुनने के बाद भी सुमयु हर रिफू ना हो फिर उसको ले जाके तब्दील कर दिया तब्दील कैसे किया कि बनी इसराइल ने जब देखा तौरात के हकाम मुश्किल हैं तो ये सत्तर गवाहों ने जा कहा कि अल्लाह ने हमें यह तो बताया था कि यह तौरात है मगर साथ ये भी कहा था कि जो मुश्किल लगे उसे छोड़ देना जो हुम आसान लगे उसको फॉलो कर लेना तो अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने उस कलाम को भी चेंज कर दिया था मिम मिमबादी माँ अक्लूहू हालाँकि वो उस कलाम को समझते थे वहम यामून और वो जानते भी थे कि हम गलत कह रहे हैं तो इसके बावजूद जब इन लोगों में इस किस्म की हरकतें हैं तो इनसे तुम कहाँ से उम्मीदें लगाते हो और इस का आयत का ये मतलब भी हो सकता है कि इससे वो वाला कलाम मुराद ना हो बल्कि तौरात मुराद हो कि ये तो तौरात को अपने कानों से सुनते हैं उसके बाद इनके उलमा उसमें समझने के बावजूद तहरीफ कर देते हैं इनको पता है कि शायद का ये मतलब नहीं है मगर उस मतलब को चेंज कर देते हैं तहरीफ कर देते हैं तो जो अपनी किताबों के साथ जिन्होंने ये हशर किया हो जिनको हिदायत मिली हो जिस किताब को वाकई अल्लाह की किताब ये मानते हो तो उसके साथ जब ये हशर कर रहे होंगे तो तुम्हारी किताब को तो ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं तो उसके साथ क्या हशर करेंगे और उस पर कैसे ईमान लेकर आएंगे तो इसलिए इनकी एजुकेशन को इनके पढ़े लिखे होने और इनके ईमान वाले होने को मत देखो बल्कि इनकी इन हरकतों को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये जो ईमान नहीं लेकर आ रहे तो ये इस्लाम का कसूर नहीं है या तुम्हारी तबलीग का कसूर नहीं है बल्कि ये इनका अपना कसूर है वहीद आलखल्लीन अमन और फरमाते ऐसे नालायक़ हैं जब ईमान वालों से मिलते हैं क़ालु अमन्ना मुनाफ़िन भी सारे यहूदियों में हुआ करते थे मफाद के लिए ईमान वालों से कह देते हम ईमान ले आए और जब बाज इन से एक दूसरे के साथ मिलते हैं ये शायद का शान नजूल ये है कि यहूदी जो थे ना ये खुशामदी भी हुआ करते थे क्योंकि दुनिया की लालच इनके दिल में बहुत थी तो जह, जहाँ मिल रहे हैं उसके मुंह पे उसी की सी बात मुसलमानों से मिलते तो कहते हम आपके साथ हैं ताकि मुसलमानों को जंग में फता तो हमें गनीमत मिले और मुसलमान हमें मारे मारे नहीं और यहूदियों से मिलते अपने ही कबीलों से जाके बहुत से यहूदी ऐसे थे तो कहते थे हम आपके साथ हैं अब जब मुसलमानों से मिलते ना तो एक गड़बड़ ये करते थे कि मुसलमानों को तसल्ली दिलाने के लिए कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं तौरात की वो आयतें जिनसे इस्लाम का बरह होना और रसूल सल्ला वसलम का सच्चा नबी होना साबित था वो आयतें उनको बता दिया करते थे नंबर बनाने के लिए जैसे होता है ना आप बाज़ दफ़ा दिल से किसी के साथ नहीं होते मगर तसली देने के लिए कि हम वाकई अपने साथ हैं आप साथ हैं अपने राज भी इंसान बाज़ दफ़ा दुश्मनों को दे देता है सिर्फ़ चापलूसी के लिए तो ये भी क्या करते थे मुनाफिक ये यहूदियों के पास जाते और तौरात की वो आयतें जिसमें नबी अलैहि वसल्लम की बशारतें थी वो जाके उनको बता दिया करते थे सिर्फ नंबर बनाने के लिए फिर जब अपनी कॉम में वापस आते ना तो कौम के लोग इनसे कहते कि कमबख्तो तुम ये क्या कर रहे हो अतोहदसून हम कि तुम मुसलमानों को बता रहे हो बीमा वो चीज़ें फ़तह अल्लाकुम जो अल्ला ने सिर्फ तुम पर खोली हैं जो सिर्फ तुम्हें पता है तुम्हें मालूम है तुम्हें मालूम है कि आखिरी नबी कहाँ आएगा कि ये मशरकिन को थोड़ी मालूम है उनके पास तो जो मशरिकी मक्का उनके पास तो इतनी नॉलेज ही नहीं है तो जो तुम्हारे पास खास ख़ास किस्म की नॉलेज है तुम उनको जाके क्यों बता रहे हो ली यू हाथ जो कम इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो मुसलमान ली यू हाथ जो कम हजत में गालिब आ जाएंगे बिही इसके ज़रिए यानी इसके ज़रिए क्या मतलब वो काम जो तुम कर रहे हो इस बयान के ज़रिए तुम पर हजत में गालिब आ जाएंगे इंदा रबिकुम तुम्हारे रब के नज़दीक भी तुम्हारे रब से मुराद क्या है तुम्हारे रब ने जो किताब दी है ना उस किताब के मुताबिक भी वो तुम पर दलील में गालिब आ जाएंगे यानी तुम्हारी किताबों से वो हवाले पेश करके तुम्हें गलत होना तुम्हारा गलत होना साबित कर देंगे तुम्हारे रब के नज़दीक जो चीज़ दलील है यानी तौरात इससे मुराद तौरात है तो तौरात के मुताबिक भी वो तुम्हें गलत करार दे देंगे ये तो और तुम पर गालिब आ जाएंगे ये मतलब है आयत का ये जो है ना ली यू हाथ जो कम में जो लाम लगा हुआ है ली का माना अरबी में होता है लिये के अब अगर हम इसका माना लफ्जी तर्जुमा लिए करते हैं तो इसका तर्जुमा क्या होगा दोबारा आयत का तर्जुमा समझें वहीदाल अमनु ये यहूदी जब ईमान वालों से मिलते हैं कालू आमन्ना तो कहते हैं तुम्हारे साथ हैं असी तुडे नालें वही धा ख़ला आबाज हो मिलाबाज़ इन और जब एक दूसरे से तनईाई इख्तियार करते हैं छाव में आते हैं अदर आओ भाई जरा साइड पर बातचीत सुनो यार मैं तो वैसे ही गया हुआ था वहाँ पर मुसलमानों के साथ कोई वैसे ही आओ अधरत छाओं में मैं तो आपके साथ हूँ तो वो दूसरा इनसे कहता था कालू तो वो जवाब में दूसरे यहूदी कहते थे अतुहद दिसू न हूँ ओ भाई तो ठीक है दुनियावी मफाद के लिए उनके साथ मिला हुआ है वहाँ जा तू ये शो करता है मैं मुस्लिम हूँ लेकिन तू एक और चापलूसी में एक और काम तू गलत करता है वो क्या करता है अतुहद दिसुना हम क्या तुम उनको जाके बयान कर देते हो बीमा वो चीज़ें फ़तह अलैकुम जो अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें बताई हैं तुम पर खोली खोलिए फतेह कमाना खोलना ना उनको जाके तुम बताते हो लियो हाथ जुक ताकि वो तुम पर दलील में गालिब आ जाएँ तो यहाँ ताक़े का मतलब लिए नहीं है बल्कि इस लाम को लाम आक़िबत कहते हैं मैंने पहले भी इसको डिफ़ाइन किया था इसका मतलब ये होता है कि इसका रिजल्ट ये निकलेगा जैसे कुरान में सूर् कस में आता है फल ताका तहू आलू फ़िराउन हजरत मूसा का ताबूत उठा लिया फ़िरौन ने फ़िरौन वालों ने ली या को ना लहुम ताकि वो मूसा उनके दुश्मन बन जाए हालांकि फ़िरौन ने इसलिए नहीं उठाया था कि ये मेरा दुश्मन बने लेकिन फ़िरौन के उठाने का रिज़ल्ट ये निकला कि हज़रत मूसा दुश्मन बन के सामने आ गए तो बाज दफ़ा रिज़ल्ट जो होता है ना उस पर भी लाम लाम दाखिल किया जाता है उसका लफ्ज़ी तर्ज, तर्जुमा तो यही होगा कि फ़िरौन ने ताबूत उठाया ताकि मूसा फ़िरन के दुश्मन बन जाएँ लफ्जी तर्जुमा ये होगा लेकिन हकीकी तर्जुम इसका ये होगा कि मूसा आसमाम के ताबूत को फ़िरौन ने उठाया जिसका नतीजा ये निकला या ये नतीजा निकलना था कि मूसा उसके दुश्मन मन के सामने आ गए तो यहाँ भी यही मतलब होगा अ तोहदो न होम यहूदी एक दूसरे से कहते थे कि तुम मुसलमानों को बयान करते हो वो चीज़ें जो अल्लाह ने तुम पर खोल दी है जिसका नतीजा ये निकलेगा अब समझ में आया लाम का मतलब जिसका नतीजा ये निकलेगा यूहा जो के मुसलमान दलील में तुम पे गालिब आ जाएंगे यानी जब हमारी डिबेट होगी ना मुस्लिम के साथ मुस्लिम कहेंगे कि हम हक पर हैं और हम कहेंगे कि हम हक पर हैं तो ऐसे मौके पर मुसलमान भी ही इस चीज़ के जरिए इस जो रास तुमने फाश किए ना इन रास फाश करने के जरिए मुसलमान तुम पर हजत में गालिब आ जाएंगे मुनाजरा जीत जाएंगे वो इंदा रब बिकुम खुद तुम्हारे रब के नज़दीक भी तो रब के नज़दीक का मतलब ये है कि तुम्हारे रब ने जो तुम्हें दी है ना उस तौरात के मुताबिक भी ये मतलब है उस तौरात के मुताबिक भी वो तुम पर यानी तुम्हारे ही मजहब से वो तुम्हारा गलत होना साबित कर देंगे ऐसे रास् जाके तुम क्यों उफाश कर रहे हो अफला के लो उनके इतनी भी खोपड़ी नहीं है तुम में इतनी भी अक़ल से काम नहीं लेते एक दूसरे को डांट रहे हैं वो इतनी भी अक़ल नहीं है इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि चलो चापलूसी कर रहे हो माल गनीमत के लिए शर से बचने के लिए लेकिन यार चापलूसी में इतनी हदूद से आगे निकल जाना कि अपने घर के रास जाके उनको देना शुरू कर दिए कल कला को हमारी उनसे बहस मुबासा होता है वो तो हमारी तौरात की आयतें हमारे ख़िलाफ़ पेश करना शुरू कर देंगे ये मतलब है अवला अवलामून अल्लाह फरमाते हैं इनकी बातें सुनो अवला अवलामूना क्या ये यहूदी ये नहीं जानते अन्लामुमा मा युसिरूना कि अल्लाह इनके रास भी जानता है और इनकी ज़ाहरी बातें भी जानता है तो अल्लाह तो जानता है कि मैंने तौरात में क्या क्या लिखा है अल्लाह से कैसे छुपाएंगे तो इनको तो अल्लाह से डरना चाहिए ना मुसलमानों से छुपा रहे वो आए थे अल्लाह से थोड़ी छुपा सकते हैं तो अल्लाह को तो पता है कि मैंने तौरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरियाँ दी हैं तो इन पागलों को ये नहीं मालूम कि अल्लाह जो है ना वो राज भी जानता है और ऐलानिया बातें भी जानता है और छुपी हुई बातें भी जानता है फिर आगे अल्लाह ने अगली आयत में यहूदियों के आम पब्लिक का जिक्र किया ये तो इनकी उलमा की शरारतें थी ना कि जो कहते थे तुम तौरा ज़ाहिर है उलमा कोई तौरा का पता था आम लोगों को नहीं पता था अल्लाह ने अब पब्लिक जो इनकी आम लोग हैं उनकी बातें जिक्र की हैं कि वो भी बिल्कुल फारिग हैं वो कैसे फारिग हैं फरमाया वमिन उम्मी उ उम्मी यू ना इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो उम्मी हैं जो किताब पढ़ना जानते ही नहीं हैं तोरात में क्या लिखा है उनको पता ही नहीं है लायाबूनल किताब इनके पास किताब का इल्म नहीं है यानी आसमानी किताब यानी तोरात इल्ला अमानी या सिवाए कुछ तमन्नाओं के यानी इनके पीरो मुरशिदों ने और इनके रहबरों ने कुछ चीज़ें ये वाला ये कर लोगे तो तुम जन्नत में चले जाओगे और यूँ हो जाएगा तो जन्नत में चले जाओगे और तुम तो वैसे यहूदी हो याकूब सलाम की औलाद हो तुम तो जाओगे ही जाओगे तो कुछ तमन्नाएँ हैं जिसमें डाल दिया है यानि वो भी किताब को फ़ॉलो नहीं कर रहे मैं जब यह आयत पढ़ता हूँ तो वाकई वो हदीस की तस्दीक होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लत तबी सुन लदीन मिन कबलकुम तुम लोग भी उसी रास्ते पे चलोगे जिस पर पिछली उम्मतें चली हैं तो आज भी जो बातिल उलमा हैं जो बातिल और जाहिर पीर हैं उनको उन्होंने अवाम को तमन्नाओं में डाल दिया है ये वाली आयत इतनी दफ़ा पढ़ लो तो ये हो जाएगा ये वाली सूरत इतनी दफ़ा पढ़ लो तो ये हो जाएगा ये सारे काम बन जाएंगे फ़जर के बाद छब्बीस दफ़ा ये पढ़ोगे तो तीन सौ पैंसठ दफ़ा ये पढ़ोगे तो ये हो जाएगा जो क़ुरान के अहकाम हैं असल जिसमें अकीदे के दुरुस्त करने को कहा गया है जिसमें आपको ये कहा गया है कि सूद हराम है जिसमें वालदे के साथ हुसन सलूक का हुकम दिया गया जिसमें नाह कत्ल करने से मना किया गया जिसमें विरासत बहनों को देने का हुक्म दिया गया जिसमें किसी का एक रुपया भी खाने को हराम करार दिया गया जिसमें यह बताया गया कि यतीम का माल जो खाता है आग में अंगारे डाल रहा है पेट में आग के अंगारे डाल रहा है वो और जिसमें ज़िना को बुरा करार दिया जिसमें नज़रों की हिफाज़त का हुक्म वो आए आवाम की नज़रों से क्या है ओझल बस ये है कि उम्र कर लिया हज कर लिया और बकरा काट दिया और फ़लाँ वज़ीफ़ा इतना पढ़ लिया पीर साहब के पाँव चूम लिए हाथ चूम लिए और ये चंद एक चीज़ें तो ये बिल्कुल सेम क़र इसी इन्हीं यानी इस आयत में इन्हीं हालात की अक्सी कर रहा है वमिन यू ना इनमें बहुत से अनपढ़ हैं लाएलमल्कताब कुरान जानते ही नहीं इन तौरात जानते ही नहीं हैं इलामानिया क्या जानते है? कुछ तमन्नाएँ तमन्ना की बातें इनके यहूदियों ने सिखाई हुई हैं ये कर लो तो ये हो जाएगा ये कर लो तो ये उनको ये नहीं बताया कि भाई सबसे पहले ईमान ज़रूरी है और आखिरी पैगंबर की ये ये हैं उस पैगंबर पर ईमान लाए बग़ैर तुम जन्नत में नहीं जा सकते हजरत ईसा पे भी ईमान लाओ हज़रत मूसा पे भी उस पैगंबर पर भी फिर सूद से भी बचो जो यहूदी जो सूद लेते हैं उससे भी बचो जिना से बचो और बहुत सारे हकाम तो अल्लाह फरमा इससे देखो ये पता चलता है कि किताब का इल्म कितनी बड़ी नेमत है तो आप लोग भी, भी जो है ना इस आयत को सुन के एक मोटिवेशन मिलनी चाहिए हम सब को कि कुरान का सीखना और समझ के पढ़ना ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है वरना बहुत से मजहबी लोग भी आपको उल्लू बना सकते हैं मजहबी रहनुमा भी और जो बनाए चले जा रहे हैं तो इसलिए खुद सीख के पढ़ें तो चाहे ये जो लेक्चर मेरे चल रहे हैं इनके ज़रिए या कोई दूसरे मुस्ंद अगर कोई दरसे कुरान दे रहे हैं तो उसके ज़रिए किसी भी तरह से कुरान को हकीकी मानों में समझने की कोशिश करना ज़रूरी है इससे इंसान गुमराही से बच जाता है तो अल्लाह फरमा रहे इनकी आवाम गुमराह क्यों हो रही है उनको इनके पीरों मुर्शिदों ने कुछ लारे रपे दिए हुए हैं कुछ उम्मीदें दिलाई हुई हैं लंबी लंबी जो असल हकाम है वो तो उनको बताए नहीं जाते फरमाया वन हमला यज़ो् नून और नहीं हैं ये लोग मगर सिर्फ़ गुमान यानी इनके पास अपनी बात के बरहक होने के दलाल नहीं होते महाज एक गुमान पे पूरी कौम चल रही है कि जी हम चूँक याकूबूब की औलाद में यह तो सीधा सीधा नॉन स्टॉप हम जन्नत में जाएंगे और हमें ना नबी परीमान लाने की ज़रूरत ना सूच छोड़ने की ना और बुराइयाँ छोड़ने की ना झूठ बोलने जो मुनाफत उनमें थी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है बस वैसे ही चले जाएँगे या जैसे आजकल लोग कहते हैं कि इतनी दफ़ा ये पढ़ लो तो इतनी दफ़ा ये पढ़ लो तो अल्लाह ने आगे फ़रमाया फ़ाइल तबस तबाही है लदीन उन लोगों के लिए यक तबून अल्कताब अभी आदीम जो तौरात अपने हाथों से लिखते हैं फमयूर हादमाम दिल्ला फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से यानी अल्लाह फरमाते हैं इन आवाम को गुमराह करने वाले यहूद केमाए हैं तो तबाही है उनमा के लिए जो आवाम को गुमराह कर रहे हैं और किस तरीके से उसमें एक तरीक़ा ये भी है कि अपने हाथ से आएते लिखते हैं और फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से यानी तहरीफ भी कर रहे हैं तो लियातरूब ही समन कलीला ताकि इस तहरीफ के ज़रिए दुनिया के चंद टके ख़रीद लें क्योंकि अवाम को जब आप आवाम की जैसी बातें करोगे जिससे अवाम खुश होती है तो हदिये नजराने भी मिलते हैं तो यहूद ये मानवी तहरीफ बहुत करते थे तफसीरों में गड़बड़ कर दिया करते थे ताकि पब्लिक खुश रहे और हदिये नजराने मिलते रहें तो अल्लामाते हैं ताकि ये हदिये नजराने लेते रहें लोगों से ये इन लिए तबाह है फिर अल्ला ने फ़रमाया फ़वील तबाही है इनके लिए मम्म का तबतम जो इनके हाथ लिख रहे हैं जो गलत तफसीरें लिख रहे हैं या आयतों की गलत तशरी कर रहे हैं इसके लिए भी इस, इस पर भी इनके लिए तबाही वबी मम सिबून और एक और तबाही उस कमाई के लिए भी जो ये कर रहे हैं यानी गलत सलत तशरी हाथ तौरा की करके जो पब्लिक से इनको पैसा मिल रहा है उस पैसे की वजह से भी इनके लिए तबाही है तो आखिरत में तबाही दर तबाही दर तबाही तीन तबाहियों का ज़िक्र किया एक तो में तहरीफ दूसरी उसके ज़रिए चंद टके ख़रीदना ठीक है ना दो दो तबाहियों का अल्लाह ने जिक्र किया तो अल्लाह फरमाते हैं दोनों वजह से इनके लिए तबाही है अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए